हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रॉकी राइडर। मैं हूँ रॉकी और आज आप देखने वाले हैं पल्सर NS 160 CC का रिव्यू लेने वाले, जो मेरा बाइक है और पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा ये बाइक लगता है। तभी मैंने ये बाइक लिया था। मतलब 2020 के समथिंग में कुछ लिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है मैंने कब लिया था। बाकी आपको इस बाइक के बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ। आप बाइक को देखिए और आपको इस आप तो मेरे चैनल पे इस बाइक के बारे में देखते ही होंगे, बाइक कैसा है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है या क्या प्रॉब्लम है, सब मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक का लुक को। तो बाइक का लुक जो है बहुत अच्छा है, बाइक का लुक में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। आप इस बाइक को कहीं लेकर जाते हैं तो आपको अच्छा खासा मतलब पब्लिक रिएक्शन आपको मिलने वाला है। तो आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब कोई दिक्कत है, किसी तरह का प्रॉब्लम है आपको। और बात कर लेते हैं बाइक का माइलेज के बारे में, बाइक का माइलेज कितना है तो मैं आपको बता दूं। अगर इस बाइक को अगर आप लेकर चलते हैं, अगर आप नॉर्मल सिटी में कहीं घूमते हैं इस बाइक को लेकर, तो आपको इसका माइलेज मिल जाएगा 40 से 45 तक आपको इसका माइलेज मिल जाएगा 1 लीटर में। और इसका अगर बाईपास की बात करें, बाईपास में अगर आपको कितना माइलेज दे देगा तो मैं आपको बता दूं, बाईपास में आपको 50 तक का माइलेज ये बाइक आपको दे देगा। ये बाइक 160 सीसी का, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 160 सीसी का है और ये BS6 मॉडल है। क्योंकि BS6 मॉडल में ही आपको ABS मिलता था, क्योंकि ये सिंगल चैनल ABS है, डबल चैनल ABS नहीं है ये। और अब बाइक को मतलब देखिए, ये बाइक पे मतलब थोड़ा सा कुछ मतलब गंदा हो चुका है, क्योंकि थोड़ा सा बारिश और इसका इधर ज़्यादा प्रॉब्लम है, बारिश होता है इसी कारण मतलब मेरा बाइक अभी गंदा है। तो थोड़ा सा डस्ट को इग्नोर करिए। बाकी आप पूरा बाइक को दिखाना चाहता हूँ। इस बाइक का आप देख सकते हैं फुल लुक बहुत अच्छा है और इसके साथ में आपको किक भी दिया जाता है। आप देख सकते हैं ऐसा मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आया है कि मैं इस बाइक को लेकर गया हूँ और मेरे को मतलब किक मारना पड़ा है। मेरे को जहाँ तक ही है कि मतलब मेरे को सेल्फ हमेशा लग जाता है, सेल्फ से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस सबसे जरूरी बात कर लेते हैं कि आपको इस बाइक में आपको सीट कंफर्ट कैसा मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, इस बाइक में मेरे को सीट कंफर्ट बहुत अच्छा मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस बाइक पे बैठकर लॉन्ग टूर भी किया हूँ, जैसे कि मैं झारखंड ये सब गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। इस बाइक का मेरे को सीट कम्फर्ट बहुत अच्छा है। और मैंने आपको माइलेज का बता दिया। बताता हूँ ब्रेकिंग के बारे में। इसमें है जो सिंगल चैनल ABS है, इसलिए आपको मतलब आगे का ब्रेकिंग अच्छा मिलता है, पीछे का भी अच्छा मिलता है। लेकिन आपको यही प्रॉब्लम होता है कि अगर हार्ड अप प्रेस करते हैं पीछे वाले ब्रेक को तो मतलब थोड़ा सा बाइक स्केट हो जाता है, इसी यही प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप रश चलाते हैं कभी बाइक को, या फिर मतलब हाईवे वे पे रश चलाते हैं, सामने से कोई मतलब तुरंत आ जाता है, मतलब एक बाइक कोई आ जाता है तो आप इसको ब्रेक मारते हैं तो आगे वाला आपका ABS बहुत अच्छा काम करता है, तो उसके ABS के कारण आपको इस बाइक में एक्सीडेंट का खतरा नहीं है उतना। बाकी इसमें पीछे वाले में ABS नहीं है। अभी भी पल्सर में वही पुराना वाला मीटर देखने को मिलता है जो BS3 में था, और जो BS4 में था वहीं भी अभी BS6 में आपको देखने को मिलता है मीटर। बजाज की तरफ से अभी तक मीटर में कोई अपडेट नहीं दिया गया है, तो बजाज को शायद मीटर में अपडेट देना चाहिए था। बाकी आप इस बाइक का अगर एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो एग्जॉस्ट नोट बहुत अच्छा लगता है। अगर आप NS 200 का भी एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं तो मतलब बहुत अच्छा फील देता है, एक बेस वाला साउंड आपको NS की तरफ से सुनने को मिलता है। और पीछे में ABS नहीं दिया जाता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पीछे में ABS नहीं रहता है। पल्सर NS 200 में भी ABS नहीं रहता है, ना 160 में भी ABS रहता है बैक में। बाकी फ्रंट में आपको दोनों में ABS देखने को मिलता है। और ओवरऑल इस बाइक का लुक देखा जाए तो बहुत अच्छा लुक मिलता है। इस बाइक को पर्सनली मैं बहुत अच्छा लाइक करता हूँ मैं इस बाइक को, और इसी लिए मैं इस पल्सर NS 160 को लिया था। तो बाइक बहुत अच्छा है। और आप पे अगर इससे हेडलाइट का बात करें, अगर रात में आप इस बाइक को कभी राइड करते हैं तो आपको मतलब बहुत अच्छा खासा मतलब हेडलाइट में रोशनी देखने को मिलता है। बस मेरे को एक ही बात मतलब थोड़ा सा दिक्कत लगता है कि पल्सर NS 200 में बहुत अच्छा टायर दिया गया है, जो मोटा टायर है। NS 160 में थोड़ा सा पतला टायर मेरे को लगता है पर्सनली, इसीलिए अपना अपना चॉइस हो सकता है, इसमें मैं कुछ ओपिनियन नहीं देना चाहता हूँ। और मेरा बाइक अभी थोड़ा सा गंदा है तो इसको इग्नोर करिए, मैं आज जाके इस अपने बाइक को साफ़ करा लूँगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इंस्टा आईडी है, अभी तक आपने हमारे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले जाके इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। और आप देखिए इसमें आपको ABS देखने को मिलता है, और आपको वहीं पल्सर की तरफ से जो डिस्क से दिया जाता तो वहीं दिया जाएगा, और आपको 160 सीसी का इंजन आपको दिया जाता है प्लस किक के साथ में। तो किक मिल जाता है तो ये आपको बहुत अच्छा मिलता है कि मतलब अगर कभी आपका बैटरी ख़राब हो गया तो आप किक से चालू कर सकते हैं। और पीछे में आपको स्पीड रीडिंग का सिस्टम दिया जाता है जिससे कि आपका स्पीड रीडिंग होता है।
तो ये था हमारा पल्सर NS160 CC का जो ओनरशिप रिव्यू था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं अभी बोलने के लिए सीख रहा हूँ, तो अगर छोटा मोटा मिस्टेक होता है तो आप इग्नोर कर दीजिए, और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप NS लवर हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।